दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बताऊंगा कि कोटक महिंद्रा की साइट से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करी जाती है। सबसे पहले लॉगिन करेंगे हम नेट बैंकिंग पे। मैं अपने आईडी से आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करके बताऊंगा। प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी डालेंगे। नीचे पासवर्ड, यहाँ पे डायनेमिक कोड मांगेगा। हर बार जितनी बार भी आप इसको लॉगिन करोगे नया डायनेमिक कोड देगा, उससे हम अंदर जाएंगे। और लॉगिन कर देंगे डायनामिक कोड डालने के बाद। ये कोड एक बार के लिए वैलिड होता है, हर बार नया कोड आता है। ये होम पेज खुल गया कोटक महिंद्रा इंटरनेट बैंकिंग साइट का। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। हमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो मैं इस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। होम बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग चल रही है, इसको चलने देते हैं। ये होम पेज खुल गया। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये उसकी लिमिट बता रहा है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग लास्ट स्टेटमेंट, ये लास्ट स्टेटमेंट जो हमारी जनरेट हुई है उसकी स्टेटमेंट, उसका आउटस्टैंडिंग बता रहा है, ये मेरी ड्यू डेट बता रहा है, इतने पे नाउ। इसकी मैंने पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो डायरेक्ट पे हो जाएगी। ये ऑलरेडी ऐड हो रखा है मेरी नेट बैंकिंग में। यहाँ पे मैं सोर्स बता दूंगा कहाँ से मेरे को पेमेंट करनी है, मेरे अपने कोटक अकाउंट से। यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा, यहाँ पे नरेशन। दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम कोटक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो यही ये फॉर्मेट खुल जाएगा। अगर मुझे किसी कोटक से नहीं, किसी दूसरे अकाउंट से पेमेंट करनी है तो मैं अनदर कोटक अकाउंट कर दूंगा, नॉन कोटक अकाउंट। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखूंगा, उसको री एंटर करूंगा, ईमेल आईडी अपना दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर अपना और अमाउंट, और जिस बैंक से भी मुझे करनी है यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे वेब पे कर दूंगा। तो आगे पासवर्ड पूछेगा, उसको डालने से मेरी कोटक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किसी दूसरे बैंक से भी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोटक से कर, और एक और नेक्स्ट ऑप्शन है टू अदर कोटक क्रेडिट कार्ड। अगर किसी अदर क्रेडिट कार्ड किसी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है मुझे कोटक के किसी और जो मेरा इसमें ऐड नहीं है, तो मैं अपने अकाउंट नंबर का सोर्स दे दूंगा, यहाँ पे मेरा बैलेंस आ जाता है, फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर, जिस क्रेडिट कार्ड की मुझे पेमेंट करनी है, जिस कोटक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है मैं उसका नंबर डाल दूंगा, नेम अपने आप ले लेगा, अमाउंट डाल दूंगा, नरेशन डाल दूंगा, गो कर दूंगा। तो जिस मर्जी क्रेडिट कार्ड की आप कोटक के जिस मर्जी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करके बताऊंगा कोटक की, जो मेरा ऑलरेडी इसमें ऐड है, फ्रॉम कोटक अकाउंट, कोटक से कोटक मुझे पेमेंट करनी है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, ये नंबर है मेरा क्रेडिट कार्ड का, अमाउंट मेरी इतनी ड्यू है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, लिख लूँगा जो नरेशन में जो भी हम देना चाहते हैं दे सकते हैं, इसको गो कर दूँगा मैं। कन्फर्मेशन पूछेगा, कन्फर्म कर दूंगा। कन्फर्म एंड सबमिट कर दिया मैंने। ये सक्सेसफुली पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, इससे ये हमारी पेमेंट हो चुकी है। अकाउंट समरी में आप जाएंगे, तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ अपडेट कर देगा कि पेमेंट आपकी रिसीव हो चुकी है। यहाँ थोड़ी देर में अपडेट कर देगा जी। अगर मुझे स्टेटमेंट देखनी है तो मैं स्टेटमेंट में जाऊँगा,
करंट स्टेटमेंट देखनी है जो मेरी करंट पीरियड चल रहा है उसकी स्टेटमेंट दिखा देगा, और अगर पास्ट बिल पिछले बिल की स्टेटमेंट देखनी है तो पिछले बिल की दिखा देगा, जो जिस मंथ की भी मैं देखना चाहता हूँ पूरे एक साल की पेमेंटें दिखा देगा। क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ये देखिए सारी स्टेटमेंटें जितनी भी अब तक इसमें है सारी स्टेटमेंट पूरे साल की, साल पिछले दो साल की स्टेटमेंट दिखा रहा है। इससे मैं कोई भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करते हैं।